दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वही कल वाला सर्किट जिसमें हम लोग 555 टाइमर से ब्लिंकिंग एलईडी या फिर फ्लैशिंग एलईडी का सर्किट बना सकते हैं। तो कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे वर्क करता है। आज थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि देखिए, ये है 555 आईसी, ठीक है। ये 555 आईसी है, इसका नोच अपवर्ड है। दीज आर द पिंस नंबर 6, 7, 2। ये मैंने कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिया है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। 8, 4, 1, 3, ये 3 आउटपुट की पिन रहती है। दिस इज आउटपुट पिन, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया, दिस इज थ्रेशोल्ड पिन, दिस इज ट्रिगर पिन, दिस इज वीसीसी ग्राउंड आउटपुट एंड दिस इज रीसेट। इस रीसेट को पीसीसी या फिर 1 देके हाई देके इसलिए रखते हैं ताकि फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने वीसीसी लिया, प्लस वीसीसी हम लोग ले सकते हैं 5 से लेके 12 वोल्ट तक ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने 9 वोल्ट लिया है और वीसीसी को कनेक्ट किया है 8 और 4 से, 8 और 4 से मैंने कनेक्ट कर दिया वीसीसी को, ठीक है। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, वीडियो विल बी अदरवाइज वीडियो विल बी लॉन्ग। ये मैंने कनेक्ट किया 8 और 4 से। 3 नंबर पे मुझे आउटपुट मिलेगा, मैंने वहाँ पे एलईडी लगा दी है ताकि उसके बाद में इसको अगर हाई लोड ऑपरेट कर रहा है तो मैं उस पर रिले मॉड्यूल या रिले लगा सकता हूँ। करंट लिमिटिंग रजिस्टर 220 ओम का लगा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया ग्राउंड, आउटपुट आएगा एलईडी की तरह ग्राउंड हो जाएगा। 1 ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड नाउ 6 एंड 2 को मैंने शॉर्ट कर दिया। ये है ट्रिगर और ये है थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो इनको मैंने कनेक्ट किया है वीसीसी से। एक मैंने रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस लिया, फिर एक कैपेसिटर लिया। इसकी नेगेटिव ब्रांच को आप ऐसे टर्मिनल को ऐसे शो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे प्लस लगा के अपर प्लेट पॉजिटिव करके इंडिकेट कर सकते हो। नाउ ये वाला मैंने 2 और 6 को शॉर्ट करके कनेक्ट किया कैपेसिटर के अक्रॉस एंड ये जो 7 नंबर पिन है डिस्चार्ज को, इसको मैंने R1 या RA RB के बीच में कनेक्ट कर दिया। दिस इज RA, दिस इज RB। व्हेनेवर एट द स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि कैपेसिटर अनचार्ज रहेगा, यहाँ पे ये सेंस करेगी, यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा 0 रहेगा, मतलब कैपेसिटर अनचार्ज है इनिशियली। तो यहाँ पे देखें, हम 2 नंबर पिन को पता चलेगा कि जो वोल्टेज है 1/3 VCC से क्या है, कम है। तो ये क्या करेगा, आउटपुट हाई करेगा। तो हाई करेगा तो क्या होगा, VCC RA RB के थ्रू कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, ये चार्ज होगा। जब ये वोल्टेज 2/3 ऑफ VCC, अगर सपोज करो हम लोग 12 वोल्ट ले रहे हैं VCC को, तो इसके जो 3 लेयर हो गए, सपोज देखिए 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और ये 12 वोल्ट, ठीक है। 1/3 VCC के इसमें हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। सपोज हम VCC 12 वोल्ट लेके चलते हैं, 1/3 मतलब ये ट्रिगर पॉइंट होगा वो 4 वोल्ट रहेगा और थ्रेशोल्ड 8 रहेगा। तो इनिशियली अनचार्ज था, ये चार्ज होगा और जैसे ही 8 तक चार्ज होगा पिन 6 रियलाइज करेंगे कि थ्रेशोल्ड तक आ गया है, कट ऑफ करना है, आउटपुट विल लो। पहले आउटपुट हाई रहेगा इनिशियली और चार्ज होगा, थ्रेशोल्ड आने पर कट ऑफ हो जाएगा, आउटपुट विल बी लो। कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू दिस 7 पिन एज आई सेड इन अर्ली वीडियो, दिस विल गो टू ग्राउंड एंड कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू RB। ऐसे डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ऐसे हमें क्या है, स्क्वायर वेव आउटपुट मिलेगा पिन नंबर 3 पे। आउटपुट की बात करें तो स्टार्टिंग में छोड़ दीजिए, यहाँ से आप देखिए डिस्चार्ज हो रहा है तो हाई आउटपुट, डिस्चार्ज हो रहा है लो, हाई लो हाई लो। दिस विल बी लाइक स्क्वायर वेव आउटपुट हमें मिलेगा, जिसे हमें क्या एलईडी ब्लिंक होती हुई मिलेगी। सो ऐसे हम लोग इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 किलो ओम, ये लिया है 100 किलो ओम और ये लिया है मैंने 10 माइक्रो फैरड, 220 ओम का करंट लिमिटिंग रेजिस्टर है।
अगर मुझे क्या करना है, दो एलईडी को ब्लिंक करवाना है, एक बंद होगी एक चालू होगी, उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बिल्कुल एक एलईडी और कनेक्ट कर देनी है किसके किसके बीच में, यहाँ पे मुझे बीसीसी और एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर इसके सीरीज में ये मुझे कनेक्ट करना है इस पॉइंट पे, तीन नंबर पे। व्हेनेवर दिस विल बी हाई देन दिस विल ग्रो, व्हेनेवर दिस विल बी लो दिस विल ग्रो। ओके, दैट इज हाउ दोनों एलईडी ब्लिंक करेंगी अल्टरनेटिव, पहले ये करेगी फिर ये फिर ये फिर ये। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि इसका टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट नहीं करते, क्या होता है वो बताया। कैलकुलेट करते हैं सिंपली जो जो अपने कैपेसिटर चार्जर के फॉर्मूले होते हैं उन्हीं से करते हैं। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे चार्ज जो हो रहा है आरए के थ्रू हो रहा है, तो हमने कैपेसिटर की जो वेवफॉर्म देखी है वो इनिशियली कुछ ऐसी है, ठीक है। चलिए ये बता देता हूँ मैं बाद में, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, इट्स वेरी इजी, नो डाउट। तो चलिए इस सर्किट को हम लोग बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा आउटपुट मिलता है।